sincere friendship towards God in all who believe Him to be properly an intelligent, willing being does mostly apparently, directly and strongly incline to prayer, and it no less disposes the heart strongly to desire to have our infinitely glorious. जब पांडव इंद्रप्रस्थ में रहते थे, एक बार उनसे मिलने भगवान श्री कृष्ण वहां गए थे। पांडव भगवान श्री कृष्ण के आदरातिथ्य किए। पांडवों की माँ श्री कृष्ण के बुआ कुंती श्री कृष्ण को रिश्तेदार जैसा नहीं आत्मबंधु मानती थी। श्री कृष्ण पांडव माध्यम अर्जुन से बहुत प्यार करता था, इसीलिए महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ सारथी बने। पर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ सारथी बनने के पीछे का आंतर्य अलग है। यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। अर्जुन जैसा रथ चलाने का नियंत्रण श्री कृष्ण को दे दिया, वैसा ही इंसान अपना जीवन का रथ चलाने का नियंत्रण भगवान पर भरोसा रखकर दे दिया तो युद्ध में अर्जुन जैसा जीता वैसा इंसान भी जीवन में अपजय नहीं होगा। अर्जुन जिनको ये बात पता था, रथ वो चलाया तो भी, जिंदगी वो जिया तो भी, उसका नियंत्रण करना भगवान को अर्पण किया। इंद्रप्रस्थ में कुछ दिन रहने के बाद श्री कृष्ण एक दिन अर्जुन के साथ शिकार करने जंगल गया था। बहुत जानवरों को शिकार करने के बाद दोनों थक गए थे। सैनिकों के साथ शिकार किया हुआ जानवरों को इंद्रप्रस्थ भेज के पानी पीने के लिए यमुना नदी के पास गए थे। पानी पीने के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना नदी तीर में जब बातें कर रहे थे, एक सुंदर कन्या उनको वहां दिखी। अर्जुन वो कन्या को वो कौन और वहां क्यों आई पूछा। तब वो कन्या ऐसा कहने लगी कि वो सूर्य भगवान की पुत्री कालिंदी है और वो यमुना नदी में रहती है। कालिंदी के जन्म के बाद सूर्य भगवान ने कालिंदी से कहा कि जब श्री कृष्ण यमुना नदी में पानी पीने आएगा तब वो कालिंदी से विवाह करेगा और तब से कालिंदी यमुना नदी में रहते हुए श्री कृष्ण का रहा देख रही थी। उस दिन कालिंदी श्री कृष्ण को देख के उनके सामने आई। कालिंदी के बातें सुनके अर्जुन श्री कृष्ण के आज्ञानुसार पहले कालिंदी को इंद्रप्रस्थ भेजा और बाद में श्री कृष्ण कालिंदी को द्वारका को ले गया और वहां विवाह भी कर लिया। पर तब तक श्री कृष्ण को रुक्मिणी सत्यभामा जाम्बवती से विवाह हो चुकी थी। कालिंदी चौथवी पत्नी थी। अवंती राज्य को राज करने विंदानुविंद के माँ राजादि देवी श्री कृष्ण के बुआ थी। उनकी पुत्री मित्रानुविंदा थी। विंदानुविंद अपने बहन मित्रविंदा के विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, पर श्री कृष्ण को मित्रविंदा से प्यार के कारण उनके स्वयंवर में सब राजाओं को हरा के श्री कृष्ण मित्रविंदा से विवाह कर लिया। उसके बाद कौशल राज्य के राजा नाग्नजित के पुत्री नाग्नजिती को भी श्री कृष्ण ने विवाह किया। श्री कृष्ण के और एक बुआ श्रुतिकीर्ति के पुत्री भद्रा थी। भद्रा को बचपन से श्री कृष्ण से विवाह करने का इच्छा होने से श्री कृष्ण भद्रा से भी विवाह कर लिया। उसके बाद माद्र राजा की पुत्री लक्षणा से भी श्री कृष्ण ने विवाह किया। ऐसा श्री कृष्ण को 8 पत्नियां थे। इधर 8 संख्या को विशिष्टता दिए गए हैं। प्रकृति को 8 भाग किए गए हैं। ये 8 पंचभूत मन बुद्धि अहंकार,
ये 8 चीजें मिलके ही शरीर बने हैं। अगर शरीर को भगवान समझा तो ये 8 के बिना शरीर शव जैसा है। ये 8ों को नियंत्रित और उत्तेजित करना शरीर भगवान का काम है। शरीर श्री कृष्ण है तो पंचभूत मन बुद्धि अहंकार उनके पत्नियां है, जिसके बिना शरीर का मतलब नहीं है और शरीर के बिना 8ों का कोई मतलब नहीं। भगवान श्री कृष्ण एक चमत्कारी राजा थे। श्री कृष्ण को 8 पत्नियों से विवाह के अलावा एक परिस्थिति में 16,000 कन्याओं से विवाह करना पड़ा। वो उन दिनों की बात थी जब नरकासुर आज के असम को राज कर रहा था। नरकासुर विष्णु के सुवर अवतार वराह और पृथ्वी की देवी भूमि देवी का पुत्र था। वो स्वर्ग पाताल धरती तीन विश्व पर कब्जा कर लिया था। उसने पृथ्वी पर जिन 16,000 देशों पर विजय प्राप्त की थी उन देशों की राजकुमारियों को कैद कर लिया था। स्वर्ग में उसने इंद्र की माँ अदिति के कान के बाले और पाताल में वरुण का शाही छाता भी चुरा लिया। नरकासुर की क्रूरत्व से विमुक्ति दिलाने के लिए श्री कृष्ण उनका वध किया, जिससे नरकासुर जो जो छुराया वो सब श्री कृष्ण का हो गया। अदिति के कान के बाले और वरुण का छाता श्री कृष्ण ने वापस कर लिया। पर प्राचीन काल में जब कोई राजा किसी अन्य राज्य की महिला का अपहरण कर लेता था तो राजा के परास्त होने के बाद भी उस महिला को राज्य में वापस नहीं लिया जाता था। इसके कारण नरकासुर के कैद में रहने वाले 16,000 कन्याओं ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। अतः श्री कृष्ण उन सभी से विवाह कर लिया। एक बार नारद महर्षि किस पत्नी के साथ कितना समय श्री कृष्ण बिता रहा है देखना चाहा और द्वारका गया। श्री कृष्ण के एक पत्नी के घर गया तो वहां श्री कृष्ण के एक पत्नी उनको उपचार कर रही थी। दूसरे घर गया तो भी नारद मुनि को श्री कृष्ण उपस्थित दिखे। श्री कृष्ण के रूप में एक देवत्व था, एक पूर्ण और विविध आकार वाली अभिव्यक्ति जो एक ही समय में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ का आनंद उठा रही थी। इससे हमें ये समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के साथ रहते हैं, जैसा वे अपने 16,000 पत्नियों के साथ रहते थे। भागवत को 2 भाग में सुनना चाहिए, जहां समझ सके वहां ज्ञानी जैसा, जहां नहीं समझ सके वहां भक्त जैसा।